लकीली आप लोग देख सकते हो कि मेरा और दीदी का दोनों का जो भी प्राइवेट एरिया है वो काफी ज्यादा व्हाइट है। प्राइवेट एरिया ये लोग कैसे देख लेंगे? मत तुम हमको बचपन में ही बिगाड़ दी थी, सब नॉलेज हो गया था हमको बचपन में। बहन तुम बहुत बिगड़ल थी। नहीं 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 नहीं, हम सब मान सकते हैं, हम ये चीज तुमसे नहीं बोल सकते। बोली थी? नहीं, ये छोड़िए, वीडियो के लिए बोल रही। बोली थी? नहीं। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया। मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। तो जी, हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट गर्ल्स टॉक वाली वीडियो लेकर के। और ये जो आज की पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये होने वाली है पार्ट टू। पार्ट वन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप वो भी देख लो। और जब पार्ट वन वाली वीडियो हमने बनाई थी ना, ये हमारे जोन से काफी अलग था। वीडियो डालने से पहले हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि हमें इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। पर जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने उस पर दिया था ना, माय गॉड, छप्पर फाड़ करके आप लोगों ने उस वीडियो पर प्यार दिखाया था। वीडियो के बाद भी आप लोगों ने हमसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि दीदी पार्ट टू कब लेकर के आओगे, क्योंकि पार्ट वन में जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसके आंसर हमने एवं ही आपको नहीं दिया था। सारे आंसर्स को ना हम दोनों ने अपने रियल लाइफ से रिलेट करके आप लोगों को बताया था। और इसीलिए हमने क्या सोचा कि जब इतनी ज्यादा डिमांड है तो पार्ट टू ले ही आनी चाहिए। तो हियर वी आर, आज की वीडियो में भी हम लोग बहुत ही ज्यादा स्पाइसी क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, गर्ल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, बॉयज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, ऐसे क्वेश्चंस ना कि जो हमारे इंडियन सोसाइटी में नॉर्मली आप लोगों के बीच में बात नहीं कर सकते, माँ बाप से नहीं पूछ सकते, तो वैसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपकी दीदियां यहाँ पर है। तो आज की वीडियो को डिले नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड इस वीडियो को लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि इस वीडियो में आपको मजा तो आने ही वाला है, साथ ही साथ बहुत कुछ सीख कर भी जाने वाले हो। तो चलो रानी, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यार, आज ना आप लोग सीरियसली कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉटी नॉटी होने वाली है। और ये वीडियो ना एक लेवल अप होने वाली है, इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं इस वीडियो में मजा बहुत आएगा। तो चलो दीदी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहते हैं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आप लोगों के, जिसका आंसर हम लोग देंगे, वो सारे ना हमारे एक्सपीरियंस से होंगे। और हम लोग कोई यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है ना कि भाई जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर है और वही चीज आप लोगों को माननी है। अगर हम लोगों से कोई भी गलती होगी तो वो आप कमेंट करके ना जरूर बताना, उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे हम लोग। तो दीदी, पहला क्वेश्चन जारी किया जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा लड़कियों ने हमसे पूछा था, और वो क्वेश्चन ये है कि दीदी हमारे जो प्राइवेट एरिया है, जो वेजाइनल एरिया या हिप्स के अराउंड वाले जो पोर्शन होते हैं, या फिर जो हमारे अंडरआर्म्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्शन के अनुसार काफी ज्यादा डार्क होते हैं, तो हमें काफी ज्यादा शर्म आती है स्लीवलेस कपड़े पहनने में। साथ ही साथ ना बॉयफ्रेंड के साथ जब इंटीमेट भी होना होता है तो भी अपने क्लोथ को हटाने में काफी ज्यादा लज्जा आती है, क्योंकि हमारा जो वेजाइनल एरिया है काफी ज्यादा डार्क है। तो आप बताओ कि इसको सफेद कैसे करें। और किसी ने तो शायद मेरे फोटो के नीचे कमेंट भी किया था कि प्रिया दी, आपके अंडरआर्म्स काफी ज्यादा व्हाइट है, तो आप क्या यूज करते हो? तो रानी, इसका आंसर तो देखो, सबसे पहली बात, किसी भी लड़की के फोटोज या फिर वीडियोज में अगर उसके अंडरआर्म्स एरिया या फिर प्राइवेट पार्ट के एरियाज आपको एकदम मिल्की व्हाइट चकाचक दिख रहे हैं ना, तो ये सरासर गलत है। या तो वो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं या फिर फिल्टर का, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता यार। ये बहुत ज्यादा कॉमन है अंडरआर्म्स या फिर प्राइवेट पार्ट के जितने भी एरियाज होते हैं ना, उसका डार्क होना। तो इस चीज में आप लोग शर्माओ मत, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग भी इस चीज को इम्प्रेस करते हैं, तो आप लोग भी इम्प्रेस करो यार। और यहाँ पर देखो, हमारी जो इंडियन स्किन टोन है ना, वो ऐसी ही है। यहाँ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई भी मिल्की व्हाइट नहीं है। अगर आप खुद को सेलिब्रिटीज वगैरह से कंपेयर कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि कैमरे पर जो दिखता है ना वो रियल नहीं होता है। अगर कैमरे पर आपको हमारे अंडरआर्म्स भी बिल्कुल सफेद दिखते हैं ना, तो वो भी रियलिटी नहीं है। हमारे अंडरआर्म्स भी उतने ज्यादा सफेद नहीं है, हाँ हल्के व्हाइट है, बाकी हुए कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा साफ है। लेकिन ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और जहां तक बात है कि दीदी इसको कैसे शेव किया जाए, तो इसके लिए अलग क्वेश्चन भी आया था कि दीदी आप लोग अपने बिकिनी हेयर लाइन को कैसे रिमूव करते हो या फिर अंडरआर्म्स के हेयर को कैसे रिमूव करते हो। तो
मेरे को ना वैक्सीन से बहुत डर लगता है, और मेरी एक फ्रेंड थी, हम आपको बताते हैं, वो वैक्स करवाई थी, बिकिनी वैक्स, एंड उसको इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी ना, क्योंकि उसकी स्किन सेंसिटिव थी, और वहां पर हम भी मौजूद थे, और वो चीज देखने के बाद ना मेरी आत्मा कांप गई। नेक्स्ट नंबर मेरा ही था, हम बोले मेरे को नहीं करवाना। उसके बाद से हम क्या करते हैं ना कि एक रेजर है, अच्छे क्वालिटी का ले लो, मेरे पास तो विनस का रेजर है, और उसके बाद हम लोग कंडीशनर लगा लेते हैं। कंडीशनर लगा करके कुछ देर छोड़ दो, 2-4 मिनट, उसके बाद उस रेजर से साफ कर दो। साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, नहा वहा कर उस पर एलोवेरा जेल लगा लेते हैं, और वीक में 1-2 बार अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं या फिर एक्सफोलिएट कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। और कभी भी ना डायरेक्टली उस पर स्प्रे वगैरह नहीं मारते हैं। और हाँ, एक और चीज, जो बॉडी रोल ऑन होता है ना, हम एक ब्लू वाला नीविया का बॉडी रोल ऑन यूज किए थे, उसको यूज करने के बाद ना मेरे को पर्सनली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अंडरआर्म्स काले होने लगे थे, एंड उसका ये जो व्हाइट वाला है ना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो व्हाइट वाला यूज करने के बाद ना मेरे जो अंडरआर्म्स है वो काफी ज्यादा सफेद या फिर अच्छे हो गए हैं, साफ हो गए हैं। तो ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप लोग 1-2 सामान यूज करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड आपको सूट कर रहा है। और एक चीज, वो जो भी हेयर रिमूवल क्रीम होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, वो ना आपके स्किन के जितने भी एरिया है ना, उसको ब्लीच करके जला देती है, तो ये भी बिग नो नो है मेरे तरफ से। और इसीलिए जो वो क्रीम होते हैं ना, उसको यूज करोगे तो वो ब्लीच हो जाएगी, ब्लीच होके जल जाएगी, तो वहां का स्किन जल जाएगा, तो वो डार्क ही तो होगा। तो ये सब चीजों को ना बिग नो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की दीदी, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में रेड फ्लैग क्या है? तो दीदी बताओ बताओ। देखो, मेरे लिए ना ज्यादा रेड फ्लैग्स नहीं है, 1-2 चीजें हैं जो मेरे को बॉदर करती है। डिमांड विमांड मेरा बहुत कम है, पर लड़का नहीं मिलता है। खैर, जोक्स अपार्ट, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे लिए है ना, उसके लिए ना हम एक वर्ड यूज करना चाहते हैं, छछड़। मे भी अगर आप झारखंड बिहार यूपी से हो गए तो आपको पता होगा, मतलब जो क्या रानी, इसको एग्जैक्ट वर्ड मेरे को बताओ, प्लेबॉय। हाँ, प्लेबॉय, इधर भी मुंह मारते हैं उधर भी मुंह मारते हैं। मेरे को ऐसे लोग नहीं पसंद। ऐसा नहीं है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड हो उसी के लिए नहीं पसंद, मेरे को ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी नहीं पसंद, जो कभी इसके पास, जो कभी उसके पास, जो कभी उसके पास। मेरे लिए लॉयल्टी मैटर्स द मोस्ट, और इसके बाद अगर देखा जाए तो वो है मेरी रिस्पेक्ट करना। आप छोटी छोटी चीजों पर रिस्पेक्ट करते हो ना, या फिर छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हो, तो इससे पता चलता है कि आप अपने पार्टनर की कितनी ज्यादा केयर कर रहे हो। मेरे को ना बड़े बड़े गिफ्ट मत दो, वो लेंगे हम, जब टाइम आएगा तब लेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में मेरे लिए क्या है कि छोटी 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 चीजों को ही ध्यान दो, और वही लिटिल लिटिल थिंग्स मैटर्स द मोस्ट फॉर मी। कहते हैं ना रानी, चीज लिटिल थिंग्स मैटर्स सो मच मोर, वही चीज है, छोटी 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 चीज है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों के नजर में कोई भी ऐसा लड़का होगा मेरी दीदी के लिए, तो प्लीज प्लीज, हाँ, उसको बता देना, छोटी छोटी चीजों में पट जाएगी, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। हाँ, बस दिखती है, पर ज्यादा डिमांड इस बेचारी का है नहीं। वैसे अगर देखा जाए मेरे लिए, तो जो दीदी बोली ना रिस्पेक्ट, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मैटर करता है, लोगों के टुवर्ड्स भी, कि आपका रिस्पेक्ट कैसा है। और क्या बात है ना मेरा, कि हम जल्दी कोई भी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो मेरी हरकतों से वो इंसान ना नोटिस कर सकता है, या उसको पता चलना चाहिए कि मेरा मूड ऑफ है या फिर हम किसी चीज से नाराज है। और बस यही चीज है दीदी, हम लोग कितने सस्ते हैं। तुम सस्ती नहीं हो, मेरे मूड से उसको पता चल जाना चाहिए। नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हम अपना प्रॉब्लम तुमको मुंह से बताएंगे, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो मुंह से बताओ। अगर मेरा पार्टनर मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ ना बोले और प्रिया समझ ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये चीज तो हम चाहते कि मेरा ना नो ना अनकही बात भी वो समझ ले, नो ना अनकही बात सब समझ ले। और मेरे तरफ से एक और ज्ञान, अगर आपका पार्टनर आपको इंटीमेट होने के लिए या फिर किस करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करे या फिर ब्लैकमेल करे ना, तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। हाँ, अगर किसी को आपसे प्यार होगा ना, तो आपके बॉडी के पीछे नहीं जाएगा, लव होगा वहां, लस्ट नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को ना खुद ध्यान देना, डिफरेंस खुद में समझ आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो काफी सारी लड़कियों ने हमसे पूछा है, और ये ना दो टाइप के क्वेश्चन है जिनको हम लोग मर्ज कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन की दीदी, जो मेरे बूब्स है ना वो काफी ज्यादा बड़े हैं, जिस कारण से लोग काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, फुटबॉल बोल करके, आंटी बोल करके। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ना, उसमें लड़कियों ने हमसे ये पूछे हैं कि दीदी, जो मेरे बूब्स एरिया है ना काफी ज्यादा कम है, जिस कारण सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये बोल करके कि अरे तुम लड़की हो या फिर लड़का हो, डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करें, कैसे अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करें।
तो पहली बात हम बता दें, एक टाइम ऐसा हुआ करता था ना कि हम भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते थे और मेरे ना एकदम फ्लैट चेस्टेड थे, तो मेरे को नकली ब्रा यूज करना पड़ता था, मतलब पैडेड ब्रा यूज करना पड़ता था। फिर एक टाइम बाद मेरे को लगा कि नहीं, ये हम गलत करें भाई, जो भी गॉड गिफ्टेड है उस चीज को फ्लॉन्ट करो और उसी चीज को भाई खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, आपको नकली दिखावे का जरूरत नहीं। और पता है पैडेड ब्रा ये सबसे मेरे को कितना ज्यादा हर्ट होता था, मेरा पूरा दर्द कर जाता था चेस्ट। लेकिन आप लोग भी ना, जो भी आपका नेचुरली होगा, बिग बूब्स या फिर स्मॉल बूब्स, उस चीज को फ्लॉन्ट करो। देखो भाई, दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है, जिसके बड़े हैं उनको छोटा चाहिए, जिसके छोटे हैं उनको बड़ा चाहिए, साथ ही साथ जिसके कर्ली बाल है उनको स्ट्रेट चाहिए, जिनके स्ट्रेट है उनको कर्ली चाहिए। तो रहने दो, भगवान का गिफ्ट है, प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो विदाउट एनी शिकायत। और ना आप बाहर की इंटरनेशनल मॉडल्स को देखो, वो लोगों की चेस्ट कुछ नहीं होता, एकदम फ्लैट होता है, लेकिन यार क्या सेक्सी दिखती हैं। देखो मैटर ये करता है ना, हैवी है या फिर फ्लैट है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप किस तरीके से उसको कैरी कर रहे हो ना, उससे फर्क पड़ता है। और अगर आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को लेकर के खुद से इनसिक्योर हो ना, तो पब्लिक में वो दिख जाता है। तो जब आप खुद से खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, अगला उस चीज को भांप जाएगा, फिर अगला उसका मजाक उड़ाएगा, तो दूसरों को मौका मत दो, ठीक है ना। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दीदी मैं एक लड़का हूं, लेकिन मेरी जो चॉइसेस है ना वो लड़कियों की तरह है, मुझे नेल पेंट लगाना पसंद है, मुझे दूसरों का मेकअप करना पसंद है, साथ ही साथ मुझे रील्स बनाना पसंद है, और इसके कारण से ना बहुत सारे लोग मुझे सी वर्ड बोलते हैं, तो क्या मैं सच में सी हूं? मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। तो रानी देखो, पहली बात हम बता दें, किसी भी इंसान का इंटरेस्ट से ना उसको जज नहीं करना चाहिए। अगर वो वीडियोस बना रहा है या फिर वो नेल पेंट लगा रहा है तो उसको लगाने दो ना, अगर इतना करके उसको खुशी मिल रहा है तो इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आता है, किसने डिसाइड किया कि ये काम लड़कियों के हैं, ये काम लड़कों के हैं? क्यों भाई, मेकअप केवल लड़कियां करती है, कितने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि लड़के हैं एंड क्या धमाल मेकअप करते हैं, लड़कियों से बेहतर मेकअप करते हैं। और जो लोग आपको जज कर रहे हैं ना सी वर्ड बोल बोल के, जज करने दो उन लोगों को, उनके जिंदगी में खुद को कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो दूसरों की जिंदगी में तान झाक करते हैं। देखो भाई, मेरे जिंदगी में बहुत काम है और मेरे पास टाइम नहीं दूसरों की जिंदगी में तंग छक करने के लिए, तो उन नल्ले लोगों के बात को छोड़ दो, वैसे लोगों पर ध्यान दो ना जो थोड़े प्रोडक्टिव है, जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं और जिनसे आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है। लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। अपने हॉबीज को पूरा करो, सारे शौक को पूरा करो, ये नहीं कि मरने से पहले वो हो जाए, अरे मेरे को ये भी करना था वो भी करना था, तो मरने से पहले ना कोई भी कसर छोड़ो मत जिंदगी को जीने के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये है, कैन अ गर्ल बी टॉल इन अ रिलेशनशिप? वाई नॉट? ठीक है, आई अग्री भाई कि लंबे लड़के काफी ज्यादा हॉट लगते हैं, लेकिन देखो हम बिल्कुल भी बना चढ़ा के नहीं बोलेंगे या फिर कैमरे में अच्छा दिखने के लिए नहीं बोलेंगे। मेरे लिए लिटरली मैटर नहीं करता है कि लड़का मेरे से लंबा है या लड़का मेरे से छोटा है, क्योंकि द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर मी इज लव एंड लॉयल्टी। अगर लंबा और हॉट लड़का मेरे को मिल जाए लेकिन मेरी एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करे, मेरे छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं दे, मेरे लिए लॉयल नहीं रहे, तो उसका मुंह लेकर के अचार बनाना है मेरे को? नहीं ना। तो मेरे लिए मैटर क्या करता है कि एक ऐसा इंसान हो जो मेरे को बहुत प्यार करे, जो मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करे और जिंदगी अच्छे से बीत जाए। तुम रानी? मैं क्या बोलूं दोस्तों, मैं देखो 1.5 फुट की हूँ, तो हमको टॉल गर्ल शॉर्ट गर्ल भाई लड़का होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए, बस। ये चीज सेम हम बोलने वाले थे कि इससे छोटा आपको कौन ही मिलेगा। क्या बोला? रोस्ट करेगी। तुम उसी लायक हो। ये सब क्वेश्चन तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ना काफी टाइम से हम लोगों से पूछा जाता था और इस वीडियो में भी पूछा गया, तो हम सोचे क्यों ना इस वीडियो के लिए इस क्वेश्चन को ले लिया जाए। और ये क्वेश्चन दीदी के लिए है कि इसके हाथ में जो टैटू है ना, क्या ये टैटू बनाते वक्त मम्मी पापा का परमिशन इसको मिला था? आप लोगों को ऐसा लग भी कैसे सकता है? सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। हम इतने ज्यादा ढीट और स्टबर्न थे ना कि हम जाके चुपके चोरी से टैटू बनवा लिए और उसके बाद सोचे कि जो अंजाम होगा मैं सहलेगा। और आपको पता है ये टैटू हम बनवाए थे जब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थे और मेरे को बहुत ज्यादा मन था टैटू बनवाने के लिए, और घर में पूछते भी ना तो परमिशन तो मिलने वाला नहीं था। हम सोचे बनवा लेते, उसके बाद मम्मी पापा थोड़ी इसको छुटवाने वाले हैं। बनवा के घर पे आ गए, मम्मी को बोले तो मम्मी बोलती है क्या है ये? तो बोले मम्मी मार करे, मम्मी चिल, 2-3 दिन में हट जाएगा। उसके बाद मेरी मम्मी को ना कहीं डाउट हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बेटी कितनी ज्यादा नालायक और कितनी ज्यादा स्टबर्न है। 3-4 दिनों तक वो वेट की, उसके बाद आके मेरा हाथ देखती है, बोलती है
टैटू ना गई अभी तक तोहार, मार्कर ना खत्म हुई मतलब कि साफ नहीं हुआ, तो हम चुपचाप से मुस्कुरा दिए। उसके बाद मम्मी बोली ना बहुत ढीठ बाड़े, मतलब कि बहुत थेथर हो तुम, बहुत स्टबर्न हो तुम। और फिर बोलती एकदम हाथ से निकल गई, मतलब हाथ से निकल गई, खूब गाली दी, खूब गाली दी, एक आध तमाच मारी। फिर हम सोचे कि एक आध तमाच में जब मैटर शांत हो गया तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कुछ दिन में दूसरा टैटू बना के आ जाएंगे। लेकिन 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 आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ना ये चीज अभी अगर हम लोग टैटू बनवाते हो तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, 5-6 साल पहले की बात है, इसलिए इतना ज्यादा ड्रामा हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आई थी, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है यार, बड़ी पर्सनल क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। किसी ने हमसे पूछा है कि दीदी यार, जब शॉप में हम लोग ब्रा या फिर पैंटी खरीदने के लिए जाते हैं, वहां पर बहुत सारे मेल स्टाफ होते हैं, तो बहुत शर्म आती है मांगने के लिए, तो आप लोग कैसे जाकर के खरीदते हो, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो, और क्या आपके साथ कभी परचेज करते वक्त कोई एम्बैरेसिंग घटना हुई है? हाँ, देखा जाए तो इस मामले में अगर हमें कोई याद भी आ रहा है तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। लकीली दीदी थी और मम्मी थी कि जब भी मेरे को जरूरत पड़ा है ना तो वो लोग लेके आ जाती थी, हमको बस पहनना पड़ता, तो इस चीज में ना हम बहुत ज्यादा लकी थे। पर दीदी के साथ एक घटना हुआ था, दीदी वो शॉप वाला, वो दीदी ही आप लोगों को बताएगी। बहुत गंदी और शर्मनाक घटना घटी है मेरे साथ। सब लोग बोलते हैं ना कि प्रिया जी सब कांड आप ही के साथ होता है, तो क्या करे, होता है, तो आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। जहां जहां बेइज्जती वाला चीज होता है ना, भगवान जी मेरे को लाके खड़ा कर देते। तो सुनो, आपको शुरू से बताते हैं, तो मेरे जो ब्रेस्ट एरिया है वो काफी ज्यादा शुरू से फ्लैट रहे, तो मेरे को कभी ब्रा की जरूरत नहीं पड़ी है क्लास 10 तक में, ठीक है। और हम मम्मी को हमेशा बोलते थे कि मम्मी मेरे लिए ब्रा ले दो, मेरी सारी फ्रेंड्स पहनती है, तो मम्मी बोलती थी कि तेरे को जरूरत ही नहीं है, वो जो स्पोर्ट्स ब्रा आते थे ना मम्मी, वो मेरे को पहनाया करती थी। और मेरी सारी दोस्त मैं मजाक उड़ाया करती थी कि बहन तुम अभी तक नहीं पहनती है, छी 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 छी। और मेरे को ना एक दिन रोना आ गया था, तो हम जाके दादी को बोले कि दादी मम्मी खरीद नहीं रही है यार, तुम ही खरीद दो चल के। और मेरी दादी ना काफी ज्यादा अच्छी, हम सीरियसली बता रहे हैं, मम्मी से ऊपर कभी कभी हम उसको रखते हैं, हाँ कभी कभी रखते हैं सिचुएशनल। तो दादी को जाकर के बोले, तो दादी बोली कि ठीक है चलो हम तुम्हारे खरीद देते हैं, मम्मी को मत बताना। हम बोले हाँ ठीक है, मम्मी को नहीं बताएंगे। उस वक्त हम और दादी निकल गए मार्केट के लिए, ना दादी कभी जाकर के खरीदी थी ना हम जाकर के खरीदे थे। हाँ हम वो शॉप जरूर देखे थे, और वो शॉप मेन मार्केट में था, काफी ज्यादा भीड़ भड़ाके वाला एरिया था। जब शॉप के अंदर घुसे ना 8-9 स्टाफ, वो भी मेल स्टाफ, अब मेरी मुंह ना खुले, हम बोले तो कैसे बोले, फर्स्ट टाइम था यार। तो हम दादी को सिखा दिए कि दादी जाना और एक पैडेड ब्रा मांगना और बोलना कि सबसे छोटा नंबर वाला दे दो। और हम शॉप के बाहर खड़े हो गए, शॉप के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ थी, ठीक है। दादी गई, 2-4 मिनट के बाद दादी निकलती है, लेकिन दादी अकेली नहीं निकलती है, दादी के हाथ में ना बंडल बंडल ब्रा थे हर कलर के। और वो आगे बोलती है, बड़की मेरे घर का नाम, कौन सा रंग चाहिए? हम बोले अरे रे 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 रे, ये तो गजब कर दी, कहां धरती फटो, हम घुसे इसके अंदर, हम कहां 7-8 लोग से भाग रहे थे, ये पूरे मेन मार्केट में मेरा इज्जत नीलाम कर दी। उसके बाद उसको जल्दी से हम अंदर डाले और बोले बहन जो लेना है ले दे, लेके घर चल। अब उस मार्केट में ना फिर हम आई थिंक 6-7 महीने गए नहीं कि कोई मेरे को पहचान न ले, तो इतनी गंदी चीज हुई थी मेरे साथ, सीरियसली बहुत गंदा हुआ था। और अगर आप लोगों के साथ भी ना ऐसा कोई एम्बैरेसिंग ब्रा स्टोरी होगा तो वो जरूर शेयर करना कमेंट में बता के, हम लोगों को काफी पढ़ने में मजा आएगा। सो जो अगला क्वेश्चन है काफी ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, मेरा दिल रो दिया ये क्वेश्चन पढ़ करके। तो ये क्वेश्चन ये है कि दीदी, लिप किस करने से पीरियड के वक्त प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या? हाँ, आपने लिप किस कर लिया तब आपके पेट में पक्का 4 महीने का बच्चा होगा। अरे यार मजाक कर रही, ये लोग सच मान लेंगे। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके बात का उतना ही सेंस बन रहा है ना जितना हम दिल दे चुके सनम में एक सीन में ऐश्वर्या राय के बात का सेंस बन रहा था। सलमान खान उसको किस करने जा रहा था, वो भी यहाँ पर, और वो बोलती है कि नहीं 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 मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कहाँ से कौन से लोग आपको ये सब पट्टी पढ़ा देते हैं, तो ये सब चीजों से थोड़ा सा दूर ही रहो। चलो रानी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए क्या? एक टाइम पे मेरे को भी लगता था कि चुम्मा करने से बच्चा हो जाता है। ये केवल तेरे को नहीं लगता था, ये हम सारे लोगों को लगता था। आप लोगों को लगता था कि नहीं लगता था, हमें बताना जरूर। और पता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बताते वक्त मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा है ना, क्योंकि ये वीडियो हमारे पेरेंट्स भी देखने वाले हैं। खैर, आप लोगों के खातिर वो क्वेश्चन हम लोग लिए और उसका आंसर देने का हिम्मत कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है ना दीदी, कि फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने पॉर्न देखा था तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा था? देखो, रिएक्शन कैसा था वो जानने से पहले ये जान लो कि हमने कब देखा था। तो हमारी कहानी ना बहुत अतरंगी है, हमने तब देखा था ना जब हमारे छोटे छोटे मूछे भी नहीं आई थी, मतलब हमारी उम्र काफी ज्यादा कम थी, तेरी तो और ज्यादा कम थी यार। हम बहुत कम थे उस टाइम, मेरे पीरियड्स भी नहीं होते थे,
तुम हमको बचपन में ही बिगाड़ दी थी, सब नॉलेज हो गया था हमको बचपन में। बहन तुम बहुत बिगड़ल थी। देखो ऐसा बिल्कुल ये हम इसको कुछ दिखाई दिखाई नहीं है, वो ना माहौल कुछ ऐसा बन गया। सुनो हुआ क्या था, हम लोग पापा को नाश्ता देने के लिए शाम में दुकान जा रहे थे और हमारे गली में ही हमें एक मेमोरी कार्ड मिला और आज से लगभग 15 साल पहले या भी उससे पहले ही एक मेमोरी कार्ड वॉज एक्सपेंसिव थिंग नो, तो हम लोगों ने उसको उठा लिया और हम लोग काफी ज्यादा खुश हो गए कि अब कंप्यूटर से सारा फोटो इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, मस्त हमें मेमोरी कार्ड मिल गया। और हमारे पास एक डब्बा वाला फोन हुआ करता था, तो रात में जब ट्यूशन व्यूशन सब हो गया, डिनर वगैरह हमने कर लिया ना, अभी तक हमने घर में किसी को नहीं बताया कि हम लोग मेमोरी कार्ड उठा करके लाए हैं, अदरवाइज मम्मी डांटती, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फोन में मेमोरी कार्ड को इंसर्ट किया और फिर चेक करना शुरू किया किसने क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एंड रानी सांस मेरा फूलने लगा, उसमें एक वीडियो नहीं थे पॉन्ड के, मैक्सिमम 500 थे। आप लोग सोच रहे हो 500 उससे भी ज्यादा। और उस रात अपुन 2 बजे तक नहीं सोया था। नहीं नहीं 2 बजे तक नहीं रानी, आई थिंक हम लोग सुबह के 5 बजे तक जगे हुए थे और लिटरली बताए जितने थे ना 500-600 सब देख डाले हम लोगों ने। और उसकी क्वालिटी आय हाय 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 यार, सारी ना इंडियन वाली थी, बहुत ही गंदा, कुछ दिख नहीं रहा था मुंह कान, लेकिन पता सब चल रहा था। और सारी क्वालिटी फटी 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 थी, मुंह कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता, सब खेत का सीन हरा हरा दिख रहा था। लेकिन हमारा डेडिकेशन लेवल देखो, हमने देखा और एकदम म्यूट करके देखा कि कोई सुन ना ले, और तब हम लोगों को समझ में आया अच्छा ऐसा भी होता है। और ये हम दोनों का पहली बार था, देखने के बाद ना शरीर में ऐसे खून दौड़ गया था भयंकर टाइप से, नींद नहीं आया था, रात भर जगे हुए थे और सुबह 7 बजे उठ करके स्कूल भी गए और हम लोग पूरे ज्यादा जोश में भी थे। और पता है जब दीदी मेरे को बताई ना कि बच्चे ऐसे होते हैं, तो पता है मैं इतना ज्यादा सदमा में चले गए थे ना कि बेजान दिल को, मतलब तुमको नहीं बताई सब चीज दीदी, तुम हमको बताई, हम नहीं बताए, बताई ये वीडियो के लिए बोल रही है नहीं। और पता मैं तब सदमा में चल गया ना कि क्या था, नहीं मेरा हमको बहुत घिन आ गया था। नहीं 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 नहीं, हम सब मान सकते हैं, हम ये चीज तुमसे नहीं बोल सकते हैं। बोली थी नहीं, ये छोड़, ये वीडियो के लिए बोल रही, बोली थी नहीं। सो जो अगला क्वेश्चन है वो किसी ने हमसे पूछा है, बहुत छोटी बच्ची ने पूछा है कि दीदी पीरियड आई नहीं है मेरी अभी तक, पर सेक्स करना सेफ है क्या? तो देखो अगर अभी तक आपकी पीरियड नहीं आई है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी उम्र 13 या 14 साल की होगी। कहां से ये सब क्वेश्चंस लाते हो, कहां से ये सब चीजें अतरंगी चीजें दिमाग में आती है? बिल्कुल भी नहीं, आपका बॉडी रेडी नहीं है उस चीज के लिए, तो अपने बॉडी के साथ फालतू में ना खिलवाड़ मत करो। हर चीज का एक राइट टाइम होता है, तो उस राइट टाइम का वेट करो ना, कोई भी चीज ना उम्र से पहले या उम्र के बाद शोभा नहीं देती है। और अगर अभी तक आपका बॉडी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है तो यार उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, इसका कोई भी ना साइड इफेक्ट हो सकता है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, वो है रानी के सीस्ट के बारे में। ये क्वेश्चंस भी हमें काफी ज्यादा आए थे कि रानी दीदी को जो सीस्ट हुआ था उसके सिम्टम क्या क्या थे। तो अगर देखा जाए तो 2 ही 3 ले दे के सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है इरेगुलर पीरियड्स, दूसरा होता है कि काफी मंथ के बाद ना आपको पीरियड्स होंगे, 2-3 मंथ के बाद, और वो जो पीरियड्स होंगे ना वो आपको 2 हफ्ते से लेके ना 1 महीने तक हो सकते हैं। और तीसरा होता है पेन होना, जो मेरे को नहीं होता था। देखो हर इंसान का सिम्टम अलग अलग होता है, बहुत को पेन होते हैं लेकिन रानी को नहीं होता था, बहुत को 2-2 मंथ के बाद पीरियड आते थे लेकिन रानी को 7-8 मंथ के बाद भी आए हैं। तो उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें हमने माइनर डिटेल्स को कवर किया है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना इरेग्युलर पीरियड्स के लिए, तो आप उस वीडियो को पक्का से पक्का देखो, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे। तो ये वीडियो देख करके ना जल्दी से उस वीडियो को देखो। एंड आज के लिए तो रानी इतना ही। बाप रे बाप गर्मी हो गया, मेरे पसीने आ गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आप लोग किए हो ना, मतलब माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग, पर ठीक है भाई कोई बात नहीं, हंसी मजाक चलता है कभी कभी। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक कर देना, और इतना डेयरिंग काम किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप चैनल पे नए हो और ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।